नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 सितंबर दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। फर्जी डिग्रियों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों पर रिपोर्ट तलब। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 45 एजेंडों पर लगी मुहर। अब चोरी होने पर बाइक घर तक खुद पहुँचाएगी पुलिस। अवैध संपत्ति जब्त करने के लिए EOU की पहल। बाल श्रम दंडनीय अपराध है, पकड़े जाने पर देने होंगे इतने दंड। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ईस्टर्न रेलवे में 3,115 पदों पर निकली भर्ती। ईस्टर्न रेलवे में फीटर, वेल्डर, मैकेनिकल, मशीनरिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन के 3,115 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऐसे में जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। वहीं इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10वीं पास होना अनिवार्य है। बता दें कि इसमें भर्ती 10वीं के नंबर की मेरिट के आधार पर की जाएगी। वहीं इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी किए गए अधिसूचना को देख सकते हैं। फर्जी डिग्रियों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों पर रिपोर्ट तलब। बीते दिन पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा राज्य में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रियों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की बहाली मामले पर रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार और राज्य निगरानी विभाग को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 2 सप्ताह का मोहलत दिया गया है। मालूम हो कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि अभी भी 73,000 शिक्षकों के फोल्डर प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने बताया कि यह मामला काफी समय से चल रहा है, लेकिन जांच की रफ्तार काफी धीमी है। बड़ी संख्या में जाली डिग्रियों के आधार पर शिक्षक काम कर वेतन उठा रहे हैं। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी। अब चोरी होने पर बाइक घर तक खुद पहुँचाएगी पुलिस। अब अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है तो इसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि अब पुलिस आपके बाइक को ढूंढकर आपके घर तक पहुंचाएगी। दरअसल बिहार पुलिस के द्वारा अब अभियान की शुरुआत की गई है, जिसे मुस्कान पार्ट 2 नाम दिया गया है। मालूम हो कि मुस्कान के पहले पार्ट के तहत पुलिस के द्वारा लोगों को चोरी हुए उनके मोबाइल फोन लौटाए जाते थे। वहीं अब मुस्कान पार्ट 2 के तहत पुलिस के द्वारा चोरी हुए बाइक को उसके असली मालिक तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस बारे में ADG जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि ऑपरेशन मुस्कान 1 की सफलता को देखते हुए इस अभियान का पार्ट 2 चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बाइक बरामदगी का यह बयान राज्य के कुछ जिलों में ही चलाया जा रहा और इस साल जनवरी से अगस्त तक विभिन्न जिलों में 2,263 बाइक को उनके मालिक के पास पहुंचाया जा चुका है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे अभिमन्यु सिंह के बारे में। अभिमन्यु सिंह का जन्म आज ही के दिन 1974 में हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और गुजराती फिल्मों में काम करते हैं। अभिमन्यु सिंह ने राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित अक्ष से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्हें पहला ब्रेक अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित गुलाल में रंजय सिंह की भूमिका से मिला। इस भूमिका ने उनके सफल प्रदर्शन के लिए उन्होंने 2010 का स्टार डस्ट पुरस्कार जीता। उन्होंने राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित रक्त चरित्र में बुक्का रेड्डी की भूमिका के लिए प्रशंसा हासिल की। टाइम्स ऑफ इंडिया में अपनी समीक्षा में निकहत काजमी ने अपने प्रदर्शन की तुलना द डार्क नाइट में हीथ लेजर के प्रदर्शन से की, जो मुख्य स्टार से आगे निकल गया। उन्हें उनर की IM के लिए भी सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें राजीव मंसद ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के रूप में उनके निर्लज अडिग प्रदर्शन की प्रशंसा की। इन्हें तमिल फिल्म थेरन अधिकारम ओंडरू में कार्थी और रकुल प्रीत सिंह के साथ मुख्य खलनायक के रूप में भी देखा गया था, जिसे राजस्थान में शूट किया गया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल और थिएटर कलाकार के रूप में की थी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 45 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 45 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसके तहत बिहार पुलिस में अनुबंध पर कार्यरत सैप बल के सभी स्तर के कर्मियों के मासिक मानदेय में 15% की दर से वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार के अधीनस्थ अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय 12वीं उच्च विद्यालयों में शिक्षक पुस्तालय के अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति की स्वीकृति
स्थिति वैशाली जिला अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय वैशाली का आवासीय भवन बनाने हेतु कुल 5.44 एकड़ कृषि विभाग की भूमि को स्वीकृति, राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के लिए चालक के आवश्यक कुल 85 पदों के लिए सृजन की स्वीकृति दी गई है। शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज के मानदेय 11,000 प्रतिमाह से बढ़कर 22,000 रुपए किया गया है। साथ ही ईपीएफ के लिए अनिवार्य अंशदान की वृद्धि के साथ ही 1 जुलाई से हर साल 5% की वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत गोदाम चौकीदार के 16 पद एवं वित्तीय सलाहकार के 1 पद को प्रत्यर्पित किया गया है। साथ ही कुल 10 पदों को सृजित किया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना की स्वीकृति दी गई है। राज्य आपदा रिस्पॉन्स फोर्स बीटा परिसर में स्थायी निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति बिहार आकस्मिकता निधि से दी गई है। इसके अलावा कई अन्य एजेंडों पर भी मुहर लगाई गई। स्नातक के तीसरे से आठवें सेमेस्टर का पाठ्यक्रम जल्द होगा तैयार। राजभवन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार बहुत जल्द ही राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू हुए 4 वर्षीय स्नातक चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तीसरे से आठवें सेमेस्टर के लिए पाठ्यक्रम तैयार होने वाला है। बता दें कि पहले और दूसरे सेमेस्टर का सिलेबस तैयार कर लिया गया है, वहीं तीसरे सेमेस्टर की जरूरत जुलाई 2024 में होने वाली है। मालूम हो कि ऐसा बताया जा रहा है कि राज्य में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू होने से बिहार के छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगिता में भी अधिक सफलता मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 साल की पढ़ाई करने पर डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, वहीं अगर 3 साल की पढ़ाई की जाती है तो विद्यार्थी को यूजी डिग्री मिलेगी, और अगर विद्यार्थी पूरी 4 साल की पढ़ाई पूरी करता है तो उसे अंतर स्नातक की डिग्री मिलेगी। राज्य में गबन के लंबित 5 लाख मामलों को ऑनलाइन होगी निगरानी। राज्य में गबन के लंबित 5 लाख मामले जिनमें 7400 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, अब उनकी सारी निगरानी ऑनलाइन की जाएगी और साथ ही आवश्यकता अनुसार नीचे के प्राधिकार को निर्देश और मार्गदर्शन भी तत्काल मुहैया कराया जाएगा। बता दें कि इन मामलों का संचालन सॉफ्टवेयर से तैयार पोर्टल पर ऑनलाइन कोर्ट केस प्रबंधन सिस्टम के तहत किया जाएगा। इस पोर्टल पर सभी मामलों की सूची अपलोड की गई है, इससे मामलों की समीक्षा आसानी से की जा सकेगी और साथ ही सरकारी पैसा गबन करने वालों की संपत्ति की नीलामी करने में भी सुविधा होगी। जिस सॉफ्टवेयर से पोर्टल तैयार किया जाएगा उसका लोकार्पण बीते सोमवार को किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत दायर वादों का निष्पादन सुगमता पूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से किए जाना है। अब नेपाल से आए विदेशी मेहमान भी कर सकेंगे इस टाइगर रिजर्व का दीदार। अब नेपाल से आने वाले विदेशी पर्यटक भी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के पर्यटन स्थलों का दीदार कर पाएंगे। दरअसल इंडो नेपाल टूरिज्म को बढ़ावा देने को लेकर नेपाल के द्वारा इंडियन एम्बेसी के जरिए विशेष पहल की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडो नेपाल टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली बैठक के लिए आमंत्रित वाल्मीकि भ्रमण के टूर ऑपरेटर शुभम सरन के द्वारा बताया गया कि नेपाल आने वाले पर्यटकों को भारत में पर्यटन के लिए भिखनाठोड़ी, वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज और पूर्वी चंपारण के रक्सौल के जरिए लेकर जाया जाएगा। नेपाल आने वाले टूरिस्ट वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का भी रुख करेंगे और साथ ही उन्हें बिहार के अन्य सभी पर्यटन स्थलों का भी दीदार आसानी से करने का मौका मिलेगा। मालूम हो कि इंडो नेपाल टूरिज्म को बढ़ावा मिलने से दोनों देशों के आपसी रिश्तों में और भी गर्माहट आएगी। सेवानिवृत्त शिक्षकों के नियोजन हेतु सूचना। बिहार सरकार के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा आईपीआरडी बिहार के जरिए सेवानिवृत्त शिक्षकों के नियोजन हेतु सूचना दी गई है। दरअसल राज्य के 38 में 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय 12वीं उच्च विद्यालयों में यानी कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक के निम्न पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों के नियोजन हेतु आवेदन निकाले गए हैं, जिसके तहत भाषा, सामाजिक विज्ञान और गणित एवं विज्ञान के 78 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में सेवानिवृत्त शिक्षक संबंधित जिले के जिला पिछड़ा एवं अति वर्ग कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में 25 सितंबर 2023 तक जमा कर दे। वहीं से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट state.bihar.gov.in/prdbihar पर जाकर देख सकते हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे देकुली शिव मंदिर के बारे में। शिवहर जिले के लोक आस्था का केंद्र बाबा भुवनेश्वर नाथ मंदिर अति प्राचीन है। इस मंदिर का धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण द्वापर काल में किया गया था। एक ही पत्थर को तराश कर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर के पश्चिम भाग में एक तालाब है जिसकी खुदाई करीब 1962 में छतौनी गाँव निवासी संत प्रेम भिक्षु ने करवाई थी। इस खुदाई में द्वापर काल की कई दुर्लभ धातु की मूर्तियां प्राप्त हुई थी, जिसे अति प्राचीन मौल वृक्ष के पास स्थापित किया गया है। ग्रामीणों की माने तो इसके नीचे करीब 12 फीट खुदाई के बाद ग्रेनाइट पत्थर प्राप्त होते हैं।
धार्मिक न्यास बोर्ड से मंदिर को जोड़ने के लिए बिहार सरकार व भारत सरकार को प्रार्थना पत्र भेजा गया। इसके ऐतिहासिक संदर्भ की चर्चा करते हुए इसे जानकी सर्किट व चित्रकूट सर्किट से जोड़ने का प्रयास किया गया, किंतु महंतों ने इसे व्यक्तिगत संपत्ति बताकर मामला को उलझा दिया। हालांकि मंदिर में पूजा अर्चना करने पर कोई बाधा नहीं है। कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर श्री यंत्र लगा है। शिवलिंग पर जलाभिषेक के बाद जो भी मान्यतें होती हैं वो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बाल श्रम दंडनीय अपराध है, पकड़े जाने पर देने होंगे इतने दंड। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा IPRD पर पोस्ट शेयर कर यह बताया गया है कि बाल श्रम दंडनीय अपराध है। बता दें कि किसी भी दुकान, प्रतिष्ठान, कल कारखाना आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर एवं किशोरियों से जोखिम वाला कार्य कराया जाना संज्ञेय एवं दंडनीय अपराध है। ऐसे में जो भी व्यक्ति इस अपराध को करते हैं, पकड़े जाते हैं, उसे जुर्माना भी चुकाना होगा, जिसके तहत नियोजक यानी कि कार्य करवाने वाले को 20,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का जुर्माना, 6 माह से 2 वर्ष तक के कारावास की सजा अथवा दोनों हो सकता है। बता दें कि अपराध पुनरावृत्ति पर 1 वर्ष से 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। अगर आपको भी किसी भी जगह बाल श्रमिक दिखता है तो संबंधित प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जिले के श्रम अधीक्षक एवं जिला पदाधिकारी को अविलंब सूचित करें या तस्वीर के साथ व्हाट्सएप नंबर 9471229133 पर भी शिकायत कर सकते हैं। अवैध संपत्ति जब्त करने के लिए EOU की पहल। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU के द्वारा अवैध कमाई करने वालों पर नकेल कसने के लिए पहल की गई है, जिसके तहत EOU ADG नैयर हसनैन खान के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि अब तक आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED को 196 प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। इसमें 36 अभियुक्तों की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जो कि लगभग 50.51 करोड़ रुपए की है। वहीं 153 प्रस्ताव अभी विचाराधीन पड़ा हुआ है, जिसकी अनुमानित संपत्ति लगभग 21.37 करोड़ रुपए की है। ऐसे में अब इन लोगों पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि हम लोगों के द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधि में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा साइबर अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही, और अब अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति को जब्त करने की कवायद जारी है। BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपराधिक गिरोह से रहे सावधान। आर्थिक अपराध इकाई के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के द्वारा बीते दिन जानकारी देते हुए बताया गया कि BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद कई आपराधिक गिरोह सक्रिय हो गए हैं, जो अभ्यर्थियों को फोन कर पैसों की डिमांड कर रहे हैं। अभ्यर्थी इस तरह के झांसे में न आए। उन्होंने कहा कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया सरकार के द्वारा पारदर्शी तरीके से कराई जा रही है। वहीं जो परीक्षा जिस एजेंसी के द्वारा करवाई जा रही है, वो समय समय पर परीक्षा से जुड़ी सारी जानकारी अभ्यर्थियों के साथ शेयर कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से अपील है कि इस तरह के किसी भी झांसे में आप सभी न आए। वहीं अगर आपके पास भी ऐसी कोई फोन आती है तो, या फिर आपसे कोई पूछता है या पैसे की मांग की जाती है, तो आप बिना समय गवाए उचित फोरम पर शिकायत करें, ताकि इन फर्जी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले अभिनेता मनोज वाजपेयी। बीते दिन बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर मुलाकात हुई। बता दें कि उनके बीच हुई इस मुलाकात को शिष्टाचार का मुलाकात बताया जा रहा है। मालूम हो कि इस दौरान अभिनेता मनोज वाजपेयी के अलावा उनके साथ फिल्म जगत के कई अन्य लोग भी मौजूद रहे, जिनमें विनोद भानुशाली भी शामिल हैं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात में उनके बीच नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर भी चर्चा हुई है, और साथ ही यूपी में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी बातचीत की गई है। इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में मनोज वाजपेयी भैया जी की शूटिंग में लगे हुए हैं, जिसमें वे न सिर्फ बतौर कलाकार बल्कि निर्माता के रूप में भी नजर आने वाले हैं। बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना। बिहार में बारिश को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। विभाग की माने तो आने वाले दिनों में प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव होने की बात कही जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई जा रही। विभाग ने अभी 23 सितम्बर तक के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। 20 सितम्बर को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण भागों के जिलों के एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ होने की संभावना जताई गई है। साथ ही 21 सितंबर को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि बांका, जमुई, भागलपुर, मुंगेर, किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया और कटिहार जिलों के एक या दो स्थानों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी में इस दिन तक तैयार हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 हॉकी के टर्फ ग्राउंड।
बहुत जल्दी बिहार को दो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दो सिंथेटिक एस्ट्रो हॉकी के टर्फ ग्राउंड मिलने वाले हैं, जिसके बाद बिहार के हॉकी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग लेने के लिए किसी दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में इस साल के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दो टर्फ ग्राउंड बनकर तैयार हो जाएंगे, जिसमें से पहला ग्राउंड राजधानी के फिजिकल एजुकेशन कॉलेज राजेंद्र नगर कैंपस में 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा, तो वहीं दूसरा एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूल शास्त्री नगर के खेल मैदान पर तैयार किया जा रहा है। बता दें कि इसके निर्माण को लेकर बिहार सरकार के नगर विकास विभाग के द्वारा भी सहयोग दिया जाएगा। इस मैदान में फ्लड लाइट समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा हॉकी इंफ्रास्ट्रक्चर का DPR तैयार कर लिया गया है। 6 माह में बढ़ी 50% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री। बिहार में इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी कड़ी में अब पिछले 6 महीने में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में 50% से अधिक की वृद्धि आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परिवहन विभाग के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि बीते 6 माह में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग 52%, तो वहीं CNG वाहनों में 40% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इस दौरान पेट्रोल और डीजल के वाहनों में मात्र 5% और 10% की बढ़ोतरी देखी गई है। बता दें कि बीते 6 माह में CNG वाहनों की बिक्री 1682 से बढ़कर 2348 हो गई है। वहीं इसके अलावा डीजल वाहनों की बिक्री 6751 से बढ़कर 7397, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 5022 से बढ़कर 7607 और पेट्रोल वाहनों की बिक्री 67024 से बढ़कर 70457 हो गई है। 23-24 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लॉयर्स कॉन्फ्रेंस में बिहार से ये होंगे शामिल। 23-24 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के मौलाना आजाद रोड स्थित विज्ञान भवन में भारत के इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लॉयर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित होने वाला है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। बता दें कि BCI के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में देश भर से विधि के क्षेत्र के दिग्गज भाग लेंगे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और सम्मानित सदस्य के रूप में प्रभारी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, लॉर्ड चांसलर और यूनाइटेड किंगडम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फोर जस्टिस होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार की, तो अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस भव्य कार्यक्रम में बिहार से बिहार राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा, राज्य बार काउंसिल के अन्य सदस्य व अधिवक्तागण भाग लेने वाले हैं। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर JDU ने किया यह दावा। बीते दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया। वहीं अब इस पर JDU के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता राजीव रंजन के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया है कि बिहार वर्ष 2006 में ही देश का पहला ऐसा राज्य बन गया था जहां महिलाओं को स्थानीय निकायों और पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था। बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहां महिलाओं को नौकरियों में 35% और शिक्षा विभाग में 50% आरक्षण दिया गया है। ये फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वर्ष 2005 में पद संभालने के साथ ही लिया गया था। अब PM मोदी पर CM नीतीश कुमार की राह पर चलते हुए महिला आरक्षण लोकसभा में पेश किए, जिससे कि एक बात तो साफ हो गया है कि बिहार देश को रास्ता दिखाता है। प्रशांत किशोर का लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मीडिया संवाद के दौरान कहा कि अगर प्रशांत किशोर नेताओं और दलों को सलाह देकर जीत सकता है, तो भरोसा रखिए बिहार की जनता को भी जिता सकता है। इस पूरे अभियान में यह कहा जा रहा है कि जनता के बीच से ऐसे लोगों को ढूंढकर निकालेंगे और उनके साथ अपनी पूरी शक्ति, बुद्धि और संसाधन लगाएंगे और उनको जीता कर लाएंगे। जब कोई ईमानदार व्यक्ति जीत कर आएगा, तभी स्थिति में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पूरी तरह से जनता पर निर्भर करेगा। अगर लोगों को लगेगा कि विकल्प की जरूरत है, तो उसकी मदद हम करेंगे। जैसे कि पिछले 5 जिलों में जब हम पदयात्रा कर रहे थे, तो वहां MLC का चुनाव था और लोगों ने तय किया कि ये अफाक अहमद अच्छे आदमी हैं, इनकी मदद करनी चाहिए। जनसुराज ने शिक्षक निर्वाचन के चुनाव में उनकी मदद की और वो चुनाव जीत गए। आने वाले 2024 में हो रहे लोकसभा के चुनाव में लोग अगर तय करेंगे कि चुनाव लड़ना चाहिए, तो उसकी मदद हम करेंगे। वर्ल्ड कप 2023 में रजनीकांत की होगी एंट्री। 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत होने वाली है। वहीं भारत अपनी अभियान की शुरुआत विश्व कप में 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलकर करेगी। लेकिन बता दें कि इस बीच एक खबर ये सामने आई है कि BCCI सचिव जय शाह के द्वारा साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत से मिलकर उनकी विश्व कप 2023 के लिए गोल्डन टिकट भेंट के रूप में दिया गया है। यानी कि इस टिकट की मदद से अब रजनीकांत पूरे भारत में किसी भी स्टेडियम में फ्री में मैच देखने जा सकेंगे और उन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर जगह मिलेगी। बता दें कि इस बात की जानकारी
बीसीसीआई के द्वारा एक्सपर्ट ट्वीट कर दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि बीसीसीआई मानद सचिव जैसा ने करिश्मा और सिनेमाई प्रतिभा का सच्चा अवतार रजनीकांत को गोल्डन टिकट भेंट किया। महान अभिनेता ने भाषा और संस्कृति से परे जाकर लाखों लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है। हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि थलाइवा इसकी शोभा बढ़ाएंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। मद्रास अब चेन्नई का समाचार पत्र द हिंदू जी एस अय्यर के संपादकीय नेतृत्व में साप्ताहिक अंक के रूप में 1857 को पहली बार प्रकाशित हुआ। मराठी फिल्म हरीश चंद्राची फैक्ट्री को 2009 में ऑस्कर अवार्ड्स की विदेशी फिल्म कैटेगरी में भारत की एंट्री के तौर पर चुना गया। मध्यकालीन भारत का एक विद्वान साहित्यकार और फारसी का प्रसिद्ध कवि फैजी का जन्म 1547 में हुआ। भारत के महान संत एवं समाज सुधारक श्री नारायण गुरु का जन्म 1856 में हुआ। मराठी पत्रकार नाना साहब परुलकर का जन्म 1897 में हुआ। भारतीय आध्यात्मिक नेता श्री राम शर्मा आचार्य का जन्म 1911 में हुआ। तेलुगु फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्माता ए नागेश्वर राव का जन्म 1924 में हुआ। भारतीय फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट लेखक महेश भट्ट का जन्म 1948 में हुआ। दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक शाह तृतीय का निधन 1388 में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद बरकतुल्ला का निधन 1927 में हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाली अंग्रेज महिला एनी बेसेंट का निधन 1933 में हुआ था। भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बड़ुआ का निधन 1942 में हुआ। प्रसिद्ध साहित्यकार दया पवार का निधन 1996 में हुआ। हिंदी सिनेमा में सन 1950-60 की प्रसिद्ध अभिनेत्री शकीला का निधन 2017 में हुआ। हिंदी भाषा की लब्ध प्रतिष्ठित उपन्यासकार कवित्री तथा नीरावादी चिंतक तथा समाज सेवी का प्रभा खेतान का निधन 2009 में हुआ। रंगमंच के प्रसिद्ध कलाकार और निर्देशक दिनेश ठाकुर का निधन 2012 में हुआ। वार्ता में आज हम बात करेंगे इसरो के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इसरो के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बीबीसी हिंदी ने अपने एक आर्टिकल के हेडलाइन में दावा किया है कि इसरो के लिए लॉन्च पैड बनाने वाले हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों का 18 महीने का वेतन बकाया है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह हेडलाइन भ्रामक है। एचईसी को चंद्रयान 3 के लिए किसी भी घटक के निर्माण का काम नहीं सौंपा गया था। एचईसी ने इसरो के लिए सितंबर 2003 से जनवरी 2010 तक कुछ बुनियादी ढांचे की आपूर्ति की थी। व्हाट्सएप पर किसने किया है ब्लॉक, ऐसे करें पता। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपको व्हाट्सएप पर किसने ब्लॉक कर रखा है, तो इसके लिए सबसे पहली बात तो आप चैट विंडो में यह नहीं देख पाएंगे कि उस कॉन्टैक्ट ने पिछली बार व्हाट्सएप पर कब लास्ट सीन यानी कि कब वह ऑनलाइन आया था। साथ ही आप यह भी नहीं देख पाएंगे कि वह कॉन्टैक्ट ऑनलाइन है या नहीं। किसी कॉन्टैक्ट का लास्ट सीन या ऑनलाइन स्टेटस न देखने की ये वजह हो सकती है कि उन्होंने अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स में इस जानकारी को हाइड कर दिया हो। अगर आपको ब्लॉक किया गया है तो आप उस कॉन्टैक्ट बदली गई प्रोफाइल फोटो नहीं देख पाएंगे। जिस कॉन्टैक्ट ने आपको ब्लॉक किया है उसे मैसेज भेजने पर सिर्फ एक चेकमार्क मैसेज सेंड हो गया दिखेगा और दूसरा चेकमार्क मैसेज पहुंच गया कभी नहीं दिखेगा। अगर आपको व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया गया होता तो आप उस यूजर को कॉल नहीं कर पाएंगे। रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस में बढ़ेगी कोच। रेलवे की ओर से उत्तर बिहार से पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाली यात्रियों की सुविधा को देखते हुए हावड़ा की ओर से जाने वाली एक एक्सप्रेस में बोगी की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि इसको लेकर पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रक्सौल के मध्य चलने वाली 13043 और 13044 हावड़ा रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस में अस्थायी रूप से शयनयान श्रेणी के 2 कोच लगाए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुविधा गाड़ी संख्या 13043 हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस में 18 अक्टूबर से 29 नवंबर तक मिलेगी, तो वहीं गाड़ी संख्या 13044 रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस में यह सुविधा 19 अक्टूबर से 30 नवंबर तक मिलेगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपा करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन ए ऋतिक रोशन, ऑप्शन बी आलिया भट्ट, ऑप्शन सी सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऑप्शन डी वरुण धवन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋतिक रोशन। अगला सवाल, मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं। ऑप्शन ए अविनाश कुमार, ऑप्शन बी रजनीश कुमार, ऑप्शन सी संजय कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रजनीश कुमार। अगला सवाल, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार। अगला सवाल, बिहार के किस जिला में बिहुला त्योहार को विशेष तौर पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी भागलपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भागलपुर। अगला सवाल, पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1781, ऑप्शन बी 1891, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1902। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1891। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजेश कुमार यादव, राजकिशोर महतो, राहुल, मोहम्मद फहीम, सलीम अंसारी, पवन सिंह, नुनू गोलू कुमार, उमेश ऋषिदेव, कपिल देव शाह, प्रहलाद कुमार, रामचंद्र सिंह, दीपेंद्र कुमार, अनवर करीम खान, रंजीत कुमार, सुजीत गोप, मोहम्मद सकीर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार के कौन से जगह आप अपने परिवार के साथ घूमने जाना पसंद करेंगे? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।